Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut. And it looks real nice. तो गाइस आज का ब्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास तौर से उनके लिए जो वेस्ट बंगाल के ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। कैप्शन और थंबनेल को देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक आइटनरी ब्लॉग है। ये ब्लॉग बनाने का मैंने ऐसा सोचा, यूजुअली तो मैं इस तरह का कंटेंट बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जब मैं दार्जिलिंग एक्सप्लोर करके आया, वेस्ट बंगाल में मैंने दार्जिलिंग को एक्सप्लोर किया, मिरिक गया था, नेपाल बॉर्डर तक गया था, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि भाई आप इस पूरी जर्नी का एक कंप्लीट आइटनरी ब्लॉग बनाओ, स्पेशली कि इस ट्रिप में एक्सपेंसेस कितने आए, खर्चा कितना हुआ, रहने का, खाने का, फूड, अकोमोडेशन, ट्रैवल वगैरह जो भी होता है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप बताइए। तो इस वजह से ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाकर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन के अंदर आप कैसे एक अच्छी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं बजट ट्रैवल करता हूं तो मैं हॉस्टल में रुकना प्रेफर करता हूं, उस समय बजट थोड़ा कम होता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं होटल्स में रुकता हूं तो वहां पर बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी सी आइटनरी मैं बना पाऊँ। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जिस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया, वो सारी जगह मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, एंड बाकी बातें हम करेंगे हर बार की तरह रास्ते में, मतलब टेक्निकली तो इस रूम के अंदर रहकर ये वाला ब्लॉग क्रिएट किया जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रैवल कॉन्टेंट है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आ जाओ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आइटनरी मैं बना रहा हूँ इस पूरे बजट प्लान में, मैं ट्रेन का टिकट और फ्लाइट के टिकट को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग सिटी से आता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, सबका अपना अपना कंफर्ट होता है। कोई ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करता है, कोई फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद करता है। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मैंने दार्जिलिंग को एक्सप्लोर किया था वेस्ट बंगाल में, उसके बाद मैं वापस चला गया था, और कुछ समय के बाद मैंने फिर से ट्रिप प्लान करी थी, तब मैं मिरिक गया था। लेकिन अगर ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मिरिक जाना चाहिए, वहाँ के आसपास की जगहों को घूमना चाहिए। वहाँ से बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसके बारे में मैं अभी व्लॉग में आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपको दार्जिलिंग आना चाहिए, वहाँ पर आपकी ट्रिप आप खत्म कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में अगर आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, अगर आप एयरपोर्ट आते हैं तो वो है बागडोगरा, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको आना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी। उसके बाद बागडोगरा, सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी से आपको मिलेगी कैब। अब वो शेयरिंग कैब से भी आप जा सकते हैं या फिर प्राइवेट कैब से भी जा सकते हैं। अगर शेयरिंग से जाते हैं तो कुछ 200 रुपये के आसपास किराया लगता है, आपको मिरिक तक पहुंचा देगी वो। अगर आप प्राइवेट कैब करके जाते हैं तो कुछ 2000 से 2500 के बीच में उसका किराया होता है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको लेना होगा होटल या फिर होम स्टे, जो आपको 1500 से 5000 के बीच में आराम से मिल जाएंगे। 1500 में जो आपको होटल मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होता है, डिसेंट होता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर लग्जरी स्टे करना है तो 4 से 5000 के बीच में वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हॉस्टल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्मॉल टाउन है, तो अभी तक मतलब हॉस्टल तो मुझे भी नहीं दिखा वहाँ पर। बाकी अगर फूड की बात करें तो वहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, स्पेशली जो खाना अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो आप वहाँ पर तिब्बतन फूड ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। और वहाँ पर बड़े होटल भी हैं, छोटे होटल भी हैं, कैंटीन भी हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिन में आप 500 से 700 रुपये के बीच में खर्च कर सकते हैं अपने खाने पर। इसके अलावा भी अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि होटल्स वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं, ऑप्शन बहुत कुछ है। लेकिन अगर डिसेंट बजट प्लान करके चल रहे हो तो 500 से 700 के बीच में आप खाने का खर्च पकड़ सकते हो एक दिन का। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बिनोमो ऐप के बारे में, जो कि एक बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग नहीं करी है तो आप बिनोमो के साथ जुड़कर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पर पहले ट्रांजेक्शन के साथ 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिनोमो आपको ऑफर करता है ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, 24/7 विड्रॉल, ईजी वेरिफिकेशन, और बिनोमो ट्रेडिंग को बहुत ही आसान बना देता है अपने यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और क्लियर लर्निंग रिसोर्सेज की वजह से। बिनोमो बिगनर्स को देता है वेलकम बोनस, अल्टीमेट डेमो अकाउंट, ईजी ट्रेनिंग एंड कूल प्राइजेस। साथ ही आपको मिलता है पर्सनल मैनेजर, फास्ट विड्रॉल ऑफ फंड, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजेक्शन, गिफ्ट डिपॉजिट बोनस, कैशबैक फ्रॉम ट्रांजेक्शन एंड और भी बहुत कुछ। आप बिनोमो के क्लासिक एफटीटी मोड पर ट्रेड कर सकते हैं, ऑल्सो यू कैन ट्रेड ऑन 5ST मोड फॉर क्विक 5 सेकंड ट्रेड्स, और दोनों पे आपको 90% तक प्रॉफिट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर यूजर स्टेटस। चलिए आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। ट्रेड को स्टार्ट करते समय सबसे पहले आपको एसेट्स को चूज करना है, फिर डील टाइम को चूज करना है, मैंने अभी का टाइम चूज कर लिया है, और फिर डील अमाउंट को चूज करना है, मैंने किया है 4000 रुपीज। उसके बाद आपको यहाँ पर अप या डाउन पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पर अप पे क्लिक कर देता हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है।
ओके, बहुत बढ़िया ट्रेंड जा रहा है हमारा। अभी देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पर 5,680 रुपए जीत लिए कुछ ही सेकंड में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जीता हुआ अमाउंट भी विड्रॉल के लिए आ चुका है। सो गाइस, बिनोमो एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कराता है, और इसे यूज करना बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है फुल सपोर्ट। सो गिव अ ट्राई टू बिनोमो, योर ब्राइट ट्रेडिंग एडवेंचर। सिलीगुड़ी से मेरे पहुंचते 1-2 घंटे लगेंगे, आप वहां पर होटल में सेट होगे, आराम करोगे, रेस्ट करोगे, तो मुझे लगता है कि आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो उस दिन आप सिर्फ आसपास की जगह घूमिए, होटल से बाहर निकलेंगे, मार्केट है उसे एक्सप्लोर कीजिए, और उसके बाद डिनर वगैरह कर रेस्ट कीजिए। बाकी नेक्स्ट डे आपको शुरुआत बहुत जल्दी करनी है अपने दिन की, क्योंकि शाम को 4:30-5 बजे तक अंधेरा होने लगता है, तो डे लाइट में आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा है। मेरे को एक्सप्लोर करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लोकल कैब कर लीजिए, और दूसरा तरीका आप प्राइवेट कैब कर लीजिए। 2,000 के आसपास आपको कैब वाले को देने, आपको जितनी भी आसपास की जगह पूरा मेरे को घुमा देगा। पूरे दिन के लिए आपके पास गाड़ी रहेगी, तो आप हर जगह रुकते रुकाते हुए आराम से सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आपको करनी है बोकर मॉनेस्ट्री से, जो कि मिरिक की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है और बहुत ही खूबसूरत सी मॉनेस्ट्री है। उसके बाद मिरिक में आप सुमेंदु लेक को देख सकते हैं, जो कि मिरिक का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा लेक है, मैनमेड लेक है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आप निकलकर देवी स्थान जा सकते हैं, जो कि मिरिक लेक के पास में ही, वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं और पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ है, चारों तरफ पाइन ट्रीज हैं, तो बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस रहता है वहाँ का। और वहाँ से निकलकर आप जा सकते हैं मिरिक हेलीपैड, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मिरिक का हेलीपैड, पूरा 360 व्यू है माउंटेन का, और वहाँ से कंचनजंगा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है अगर आप सीजन में जाते हैं। हाँ, बाय द वे, अगर आपको मेरे को एक्सप्लोर करना है या फिर दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करना है, तो सबसे बेस्ट सीजन है अक्टूबर और नवंबर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो आपको बहुत ही खुला वेदर दिखेगा, बहुत ही अच्छे से आप वहाँ के विजुअल्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, देख पाएंगे, मज़े ले पाएंगे। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर मौसम बहुत ही प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है, फॉग भी होता है, तो फॉग के बीच में अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये वाला टाइम भी बहुत अच्छा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून वाला। तो मेरे हेलीपैड में आधे घंटे या एक घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद आपको आ जाना है चेनडारा, जो कि वहाँ से बहुत पास में ही है, और चेनडारा बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक छोटा सा माउंटेन है, टी गार्डन है चारों तरफ, उसी टी गार्डन के आप ऊपर चलते हैं उस माउंटेन पे, तो एक छोटा सा 5 मिनट का एक ट्रैक करके आप पहुंचते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, जहां पर पाइन ट्री की फॉर्मेशन है। मैंने बाकी डिटेल्स ब्लॉग में शेयर करी, आप जाकर देखना, जिन्होंने नहीं देखा है वो ब्लॉग, तो बहुत डिटेल में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद वहां से आपको नीचे उतर कर आ जाना है, और वहां से बहुत ही पास में टिंगलिंग व्यू पॉइंट है, वहां पर भी आप आइए, वहां से बहुत ही अच्छा 360 पूरा व्यू दिखता है, जहां पर नीचे आपको टी गार्डन दिखते हैं। खाने पीने के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं होटल्स के पास में, तो वहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी या कुछ अगर लंच वगैरह करना है तो कर सकते हैं। तो ये करते करते मुझे लगता है कि आपको शाम के 4-4:30 बज जाएंगे, और जैसा मैंने बताया कि 4-5 बजे के बाद वहाँ पर अंधेरा होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा शरीर को थकाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप सीधे अपने होटल जाइए, होटल में रुकिए, और शाम को अगर वापस वॉक करनी है मार्केट में, थोड़ा बहुत वॉक करो, चिल करो, मौसम को इन्जॉय करो, लेक के पास बैठो, और फिर वापस अपने होटल में आके आराम करो आप, ठीक है, सो जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, अगला दिन भी बहुत जल्दी शुरू करना है। और अगर आप कृष्णा नगर, जो मेरे का मेन मार्केट है, वहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ पर अगर आपका होटल है, तो वहाँ से बहुत ही पास में रमीटे दाड़ा करके एक जगह है, वो भी एक पहाड़ी पर बना हुआ एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको पूरे मिरिक का बहुत ही खूबसूरत शानदार व्यू दिखता है, सामने से नेपाल भी दिखता है वहाँ पे, अगर मौसम खुला रहा तो। और उसके बहुत ही पास में एक पाइन फॉरेस्ट, तो वहाँ पर ज़रूर जाना, अगर फॉग गिर रहा होगा ना तो भाई वहाँ की ब्यूटी बहुत ही अलग होती है, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था, जाकर चेक करना। यहाँ पर जब फॉग गिरता है ना, तो वीडियो शूट के लिए, फोटो शूट के लिए बहुत अच्छा होता है उस समय, तो वो और इन्हेंस कर देता है बेसिकली आपके विजुअल्स को। तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको वापस मिरिक के मेन मार्केट में आ जाना है, टैक्सी स्टैंड में, वहाँ से आपको जाना है पशुपति मार्केट, जो कि कुछ 15-16 किलोमीटर दूर है मेन मिरिक से। और मिरिक से पशुपति मार्केट जाने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप लोकल कैब कर लीजिए, जो आपको 200 रुपये में वहाँ पर पहुँचा देगी, और अगर आपको प्राइवेट कैब करनी है तो 2,000 के आसपास आपको कैब वाले को देने, पूरे दिन फिर कैब आपके साथ रहेगी, तो आप पशुपति मार्केट भी जा सकते हैं, और वहाँ से लौटते समय बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करते हुए आ सकते हैं। पशुपति मार्केट बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट है, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में आता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वहाँ पर जो भी सामान मिलेगा आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि वो ऑफ कोर्स चाइना से आता है, फर्स्ट कॉपी होती है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाय द वे, वहाँ पर आपको मार्केट में एंट्री करने से पहले जो चेक पोस्ट होती है, वहाँ पर अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, मतलब अपना जो आधार कार्ड वगैरह होता है, उसके बाद आप मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। 3-4 घंटे जितना भी एक्सप्लोर करना करके आ सकते हैं, पूरी रात भर वहाँ पे नहीं रुक सकते, वापस आपको आना ही पड़ता है। पशुपति मार्केट से निकलकर आपको वापस मिरिक की तरफ जाना है, तो मार्केट से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक
व्यू पॉइंट है जिसे बोलते हैं 26 से। तो एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पर नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे विलेजेस बने हैं, खूबसूरत गांव बने हुए हैं, जहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं, नेपाल के अंदर भी जाकर थोड़ी देर घूमकर वापस आ सकते हैं। तो उन जगह को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। तो वहाँ का कुछ कैच ऐसा है कि वो जो रोड है जो पशुपति मार्केट से मिरिक की तरफ आती है, तो वो रोड इंडिया की टेरिटरी में आती है और जो उसके गाँव हैं जो आसपास गाँव बने हैं वो नेपाल की तरफ आते हैं। अरे हम आ गए इंडिया में, ये रोड इंडिया में आती है और वापस आप वहाँ से होते हुए आएंगे मिरिक की तरफ, तो रास्ते में आपको पड़ता है गोपाल धारा टी स्टेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक टी गार्डन है। और वहाँ की जो खासियत है या फिर ऐसा बोलो जो वहाँ की खूबसूरती है वो ऐसी है कि भाई पहाड़ों के ऊपर चाय के बागों को प्लांट किया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत हरे भरे गोल गोल पहाड़ दिखते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। वहाँ पर भी आप पिक्चर्स क्लिक कीजिए, मौसम बहुत अच्छा रहता है, वहाँ चाय वगैरह पीजिए। यहाँ पर ऐसा अलग अलग फ्लेवर की टी भी मिलती है आपको, चाय के बागान पीछे देख रहे हैं, और यहाँ पर देखो आप ड्राई टी भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको वापस मिरिक आ जाना है। अब बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि उन्हें मिरिक एक्सप्लोर करके सीधे दार्जिलिंग जाना है, यहाँ पर एक डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप चाहो तो उस दिन रात में मिरिक में स्टे करके अगले दिन आप संदकपू को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में एक जगह आती है, जिसका पूरा ब्लॉग मैंने बनाया, बहुत पसंद किया आप लोगों ने, जिसने देखा होगा तो वो समझ गया होगा। तो अगर आप वहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं तो अगले दिन संदकपू को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस चीज़ को मैं दार्जिलिंग की आइटनरी से थोड़ा सा अलग रखता हूँ, क्योंकि वहाँ अगर आप जाएंगे तो एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको संदकपू भी एक्सप्लोर करना है इस वेस्ट बंगाल के ट्रिप में, तो आप वाला ब्लॉग जरूर जाके देख लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मिरिक से संदकपू कैसे पहुँचते हैं, मानीव्यंजन कैसे पहुँचते हैं, कितना पैसा लगता है, अगर आप लोकल कैब से जाते हैं या प्राइवेट कैब करके जाते हैं, तो पूरी डिटेल मैंने उसमें शेयर कर रखी है, तो आपके लिए आई एम श्योर वो बहुत ही यूज़फुल होगा। तो वो अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं इस आइटनरी में तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम साइड में रख देते हैं, अभी हम मिरिक एक्सप्लोर करेंगे। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप दार्जिलिंग या फिर मिरिक एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अपने दिन की शुरुआत जल्दी कीजिए। अब उससे होगा ये कि अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो 3 बजे तक आप वापस मिरिक के मेन मार्केट तक आ जाएंगे, जहाँ से टैक्सी चलती हैं टूवर्ड्स दार्जिलिंग। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप शेयरिंग कैब को कंसिडर करके चल रहे हैं तो 3 बजे लास्ट शेयरिंग कैब चलती है, जो कि दार्जिलिंग आपको पहुँचाती है मिरिक से, और उसका कुछ किराया होता है 200 रुपये। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैब करके जाना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर 3, 4, 5, 6 बजे तक रात तक वहाँ पर आराम से आपको प्राइवेट कैब मिल जाएंगी, जो कि 2000 रुपये के आसपास लेंगी। मिरिक से दार्जिलिंग है कुछ 40 किलोमीटर के आसपास, तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप दार्जिलिंग पहुँच जाएंगे। दार्जिलिंग पहुँचने के बाद वहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन, वहाँ पर होटल भी हैं, वहाँ पर होम स्टे भी हैं, वहाँ पर हॉस्टल भी हैं। तो होटल्स वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे 1500 से 5000 के बीच में, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियन, एज़ पर योर बजट। यहाँ पर मैं रुका था लिबोंग करके एक जगह है, जो कि मेन दार्जिलिंग से कुछ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ का कुछ नाइट स्टे जो होता है वो 300 या 400 रुपए के आसपास होता है बंक बेड का। प्राइवेट रूम लेंगे तो वहाँ पर भी कुछ 1000 रुपये के आसपास आपको बेड मिल जाएगा। मेरा सजेशन है कि अगर आप हॉस्टल में रुकना चाहते हैं तभी वहाँ पर जाइए, वहाँ पर स्टे कीजिए लिबोंग में, क्योंकि वो 4 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन अगर आपको होटल में रुकना है, होम स्टे में रुकना है, तो आप मेन दार्जिलिंग के आसपास रुकिए, तो चीज़ें आपको सब आसपास देखने के लिए बहुत आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर फूड की बात करें तो दार्जिलिंग में भी आपको 500 से 700 रुपये के बीच में पर डे की मील का खर्च आएगा, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैंने एक एवरेज निकाला हुआ है। अगर आप बजट प्लान करके चल रहे हैं, बजट ट्रिप कर रहे हैं, तो इतने में आपका पर डे की मील का एक्सपेंस हो जाएगा। तो आपको मिरिक से दार्जिलिंग पहुँचते पहुँचते वैसे भी शाम हो जाएगी, और रात में ही आपको अपनी कैब बुक कर लेनी है। अच्छा, कैब के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दार्जिलिंग एक्सप्लोर करना है एक दिन में, तो सबसे बेस्ट तरीका है प्राइवेट कैब को आपको बुक कर लेना है, और वहाँ पर कैब बुक होती है कुछ 4000 रुपये में। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपको जगह का आइडिया वहाँ पर नहीं होगा कहाँ पर जाना है, किन किन जगहों पर जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा समय उन्हें ढूंढने में लगा देंगे। अब अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको वो वैसे भी शेयरिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, तो आप 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आप बिल्कुल प्राइवेट कैब कीजिए और उसी में घूमिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपको सो जाना है और अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है। इस बार जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आपको शुरुआत ही सनराइज से करनी है। तो पहला जो स्पॉट है वो है टाइगर हिल्स, उसे आपको जाकर देखना है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज दिखता है अगर वेदर खुला हुआ तो। सामने कंचनजंगा माउंटेन रेंज दिखती है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ तो जाते ही जाते हैं। सनराइज देखने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ से आपको आना है नीचे अपनी कैब में बैठकर, फिर वहाँ से पहुँचना है आपको लांबा हट्टा इको गार्डन, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत गार्डन है दार्जिलिंग का। मैंने आज तक इतना खूबसूरत गार्डन कहीं नहीं देखा, मतलब जितना मैंने ट्रैवल किया है, इतना प्यारा, मतलब इक्लाइंट फॉर्मेशन में पहाड़ी के ऊपर एक गार्डन बना हुआ है, जहाँ पर पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो इतना
वाइब्रेंट, इतना ब्यूटीफुल, और अगर फॉग भी गिर रहा होगा ना वहाँ पर तो बहुत ही सीनिक दिखता है सब कुछ। तो लांबा हट्टा इको गार्डन को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वहाँ जरूर जाना। 15 रुपए का टिकट होता है, अंदर जाइए आप, फोटोज वगैरह क्लिक कीजिए, कैमरा लेकर जाइए, कोई फीस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है तिनचुलिया टी गार्डन, टी स्टेट है बेसिकली पूरा, तो बहुत ही अच्छे नज़ारे होते हैं। मैं जब गया था तो फॉग बहुत था तो अच्छे विजुअल्स मुझे दिखे नहीं, लेकिन आप सीजन में जाएंगे तो इन्जॉय करेंगे। और टी गार्डन वहाँ पर आपको हर जगह मिलेंगे, वो 1.5 किलोमीटर पर ही है, तो वहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो उस टी गार्डन को भी आप ज़रूर देखिए। फिर वहाँ से निकलकर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपको पहुँचना है घूम रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन का एक ऐसा हिसाब किताब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप दार्जिलिंग में जाकर टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, टॉय ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। कहीं अगर आपको पहुँचना है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में अगर आपको सपोज आधा घंटा लगता है दार्जिलिंग में, तो वहीं टॉय ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करें तो वो 2 घंटे हो जाते हैं। तो समय ज़्यादा लगता है क्योंकि धीरे धीरे चलती है। मैंने तो टॉय ट्रेन में नहीं ट्रैवल किया था, बस थोड़ी देर अंदर गया था, फोटोज़ वगैरह क्लिक करे थे, वीडियो बना के आ गया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। लेकिन फिर भी अगर दार्जिलिंग गए हैं और टॉय ट्रेन में नहीं बैठे तो ऐसा लगेगा ना कुछ बड़ी चीज़ मिस करके आ गए, क्योंकि वो USP है वहाँ की और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टॉय ट्रेन का नाम आता है, तो एक्चुअली में वो है तो एक्सक्लूसिव चीज़, तो उसे एक बार एक्सपीरियंस करना बनता है। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको बहुत बड़ी जर्नी नहीं करनी है, आप मेन दार्जिलिंग का जो मेन टाउन है वहाँ से घूम स्टेशन तक आप आ जाइए। 80 रुपये से 500 रुपये के बीच में टिकट होता है दार्जिलिंग मेन टाउन से घूम स्टेशन तक आने का। तो अगर उतना आपको एक्सपीरियंस करना है, मुझे लगता है कि वो इनफ है, क्योंकि आप पूरा दार्जिलिंग ट्रेन में बैठ के घूमेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब जैसे बाहर से बहुत लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो उनको ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है ये ट्रेन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, अगर आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक आते हैं तो टॉय ट्रेन के जरिए आ सकते हैं। कुछ 600 रुपये से 1400 रुपये के बीच में टिकट होते हैं, फर्स्ट क्लास का, अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसमें डिवाइड किया गया है वो। लेकिन वो ट्रेन सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आने में कुछ 8 से 12 घंटे का समय लेती है, जबकि आप अगर बाय रोड आते हैं तो सिर्फ आपको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। 70 किलोमीटर का डिफरेंस है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आपके पास टाइम है तभी आप टॉय ट्रेन को कंसिडर कीजिए। तो हम तिनचुलिया टी गार्डन से 20 किलोमीटर का ट्रैवल करके पहुंचे थे घूम स्टेशन तक। अब घूम स्टेशन आने का रीज़न ये है कि भाई वहां पर एक तो आपको टॉय ट्रेन देखने के लिए मिल जाएगी, स्टेशन मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और साथ के साथ वहां पर है दार्जिलिंग की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री, जिसे बोलते हैं घूम मॉनेस्ट्री या फिर ईगा चोलिंग मॉनेस्ट्री भी नाम है उसका। तो वहां पर भी आप जाइए, वहां पर गौतम बुद्ध का बहुत ही प्यारा सा स्कल्पचर आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसकी खासियत ये कि वो स्कल्पचर की मिट्टी तिब्बत से लाई गई थी, फिर वो मूर्ति बनाई गई थी। बहुत छोटी मॉनेस्ट्री है लेकिन सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है, ये उसकी USP है। और वहाँ से बहुत ही पास में कुछ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है डाली मॉनेस्ट्री, जो कि दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। तो पहले आपने देखी सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री और उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री। बहुत ही खूबसूरत सी मॉनेस्ट्री है, बहुत बड़े प्रीमाइसेस में बनी हुई है, हिल पे बनी हुई, तो वहाँ पर जाकर आप देखते हैं तो पूरे दार्जिलिंग का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ठीक है, वहाँ से आप नीचे आएंगे, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपको और आगे जाना है। वहाँ से आप पहुँचेंगे बतासिया लूप, जो कि दार्जिलिंग का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसे भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना। 15 रुपये का टिकट है, उसे लेकर आप अंदर जाते हैं और वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन, और उसके बीच में एक लूप बना हुआ है जहाँ से टॉय ट्रेन होते हुए गुजरती है, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और साथ ही वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल, जहाँ पर आपको गुरखा रेजिमेंट के बहुत सारे जवानों के नाम देखने के लिए मिलेंगे जो वॉर के समय शहीद हुए हैं। उसके बाद वहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपको पहुंचना है रॉक गार्डन, जिसका 20 रुपये का टिकट है उस गार्डन का, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है। रॉक के बहुत सारे स्कल्पचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे, और पहाड़ी पर पूरा फॉर्म किया हुआ वो एक गार्डन है, मैनमेड क्रिएशन है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह वो भी। उस गार्डन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे आपको स्टॉल दिख जाएंगे, मैगी पॉइंट्स हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपको पहुँचना है पीस पगोड़ा, जिसे जैपनीज टेम्पल भी कहते हैं। तो दार्जिलिंग का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो भी, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। पगोड़ा है मतलब कि वो डोम बना हुआ है मेडिटेशन के लिए, तो अंदर तो आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मॉन्क जाते हैं, जो भिक्षु होते हैं, जो साधना करते हैं वही जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए वो जगह बाहर से ओपन है, मतलब बाहर से आप देख सकते हैं, उस प्रीमाइसेस में आप घूम सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं, कोई भी एंट्री फीस नहीं है। तो ये सब एक्टिविटी करते करते आपको शाम हो जाएगी, 4, 4:30, 5 बज जाएगा। वहाँ से आपका जो कैब ड्राइवर है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद आप वॉक कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रीट में घूमिए, बहुत सारे खाने के ऑप्शन है क्योंकि मॉल रोड है वहाँ पर, तो आप डिनर वगैरह भी बाहर ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस होटल चले जाना है, अच्छे से रेस्ट करना है, सो जाना है, उसके बाद फिर से अगला दिन शुरू करना है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने अपना होटल या होम स्टे मेन दार्जिलिंग टाउन में लिया, मतलब मॉल रोड के आसपास लिया है, तो आपको सुबह जल्दी उठना है, और उसके बाद वहाँ से 10 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है, आपको पहुँचना है HMI यानी कि हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। 60 रुपये की एंट्री फीस है,
₹10 कैमरे के चार्जेस होते हैं, अंदर जाके आप फोटो वीडियोस वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि HMI के प्रीमाइसेस के अंदर दार्जिलिंग का जू भी है, तो मतलब ₹60 का टिकट लेकर और ₹10 के कैमरा फीस देकर आप दोनों जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जू एक्सप्लोर कर लेना है। जू में आप बाकी कुछ देखो ना देखो, मौसम अच्छा रहता है तो घूमने में तो मजा आएगा, लेकिन दो एनिमल वहाँ पे जरूर विजिट करना। एक है रेड पांडा जो कि दार्जिलिंग का स्टेट एनिमल है, उसे जरूर देखना, बहुत ही क्यूट सा एनिमल है, मतलब बड़ा मजा आता है, वो बाम्बू स्टिक खाता रहता है, जब भी देखोगे उसका मुंह चलता ही रहता है, तो वो एक एक्सक्लूसिव एनिमल है। और दूसरा है स्नो लेपर्ड। ये दोनों एनिमल मैंने पहली बार दार्जिलिंग के जू में ही देखे थे, मतलब पहली बार क्या, अभी तक पहली और आखिरी बार वहीं पे ही देखा है। उसके बाद वहां से आपको जाना है HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका रास्ता उसी जू के अंदर से ही है, एक ही प्रीमाइसेस में बना हुआ जैसा मैंने बताया, तो उसकी कोई अलग से फीस नहीं लगती है। वहां पर छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जैसे बच्चे भी कर सकते हैं, एडल्ट भी कर सकते हैं। ₹80 ₹100 से छोटे छोटे टिकट होते हैं, वो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे रोप क्लाइंबिंग हो गई, जिप लाइनिंग हो गई। इसके अलावा वहाँ पर जो देखने वाली सबसे अच्छी चीज़ है वो है म्यूजियम। म्यूजियम में आप जरूर विजिट कीजिएगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप फोटोज नहीं क्लिक कर सकते ना ही वीडियोज बना सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग एंथुजियास्ट हैं, ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं या माउंटेनिंग करना पसंद करते हैं, या आने वाले समय में आपका माउंट एवरेस्ट जाने का कोई प्लान बन रहा है, तो उस म्यूजियम में जरूर विजिट कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए मिलेगी। एडमिन हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे के आपको वहाँ पर गियर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो हमारे इंडिया और नेपाल के शेरपा थे, तो उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। उनका रक्षक रखा हुआ है, वो फ्लैग देखने के लिए मिलेगा इंडिया का, जो उन्होंने वहाँ पर जाकर फहराया था, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो भी। तो HMI और दार्जिलिंग जू को घूमते घूमते मुझे लगता है कि आप 3 घंटे तो वहाँ पर आराम से स्पेंड कर देंगे। उसके बाद आप वहाँ से निकलिए, पास में ही 1.5 किलोमीटर पर एक नाइट एंगल पार्क है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ₹25 का टिकट है, वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए अगर आपके पास आपको लगता है अगर पार्क में जाना, क्योंकि पार्क और टी गार्डन वहाँ पर आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन वो भी ऐसा पार्क है कि बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, हिल पे बना हुआ है, ये 360 वैली व्यू है और बीच में वो पार्क बना हुआ है, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है, आप पहुँचते हैं वापस फिर मॉल रोड, तो ये सारी चीज़ें मॉल रोड के आसपास ही हैं। तो आज के दिन ये चीज़ भी अच्छी रहेगी कि सेकेंड डे दार्जिलिंग में आपको कैब वगैरह हायर करने की जरूरत नहीं है, मॉल रोड के आसपास ही सारी जगह है, तो आप वॉक करते करते सुबह से शाम तक सारी चीज़ों को देख लेंगे। और पीछे एक महाकाल मार्केट है, तो उस तरफ से आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप पहुँच सकते हैं मॉल रोड। मॉल रोड की वाइब आपको पता ही है, हर जगह की बहुत ही गजब की होती है, किसी भी हिल स्टेशन में मॉल रोड में जाते हैं, तो दार्जिलिंग का भी वैसे ही है। चारों तरफ आपको गॉथिक स्ट्रक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा, और बीच में एक बहुत बड़ा सा फाउंटेन भी बना हुआ है, तो वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कीजिए। चारों तरफ आपको शॉप्स मिलेंगी, टी शॉप मिलेगी, बहुत सारे होटल भी हैं, कैफे हैं। शाम से रात तक मुझे लगता है कि मॉल रोड में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो शाम से रात का समय होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा एम्बियंस होता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है, और वापस अपने होटल पे आकर सो जाना है। अगले दिन आपको सुबह उठना है, अपने होटल से चेकआउट करना है, और फिर वहाँ से प्राइवेट कैब के जरिए या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए आप पहुँच जाइए अपने अपने स्टेशन पे, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट अगर आपको जाना है, वहाँ से जहाँ पर भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। तो ये छोटी सी आइटनरी मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्लान करी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये दो चार्ट मैंने बनाए हुए हैं, तो ये दो बजट प्लान मैंने बनाया है कि अगर एज ए सोलो ट्रैवलर आप वहाँ पर जाते हो, बैकपैकर जाते हो, तो आपको कितना बजट बनेगा अप्रॉक्सिमेटली, और अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, सपोज 4 लोग जाते हैं, तो आपको कितना बजट होगा। तो ये एक मैंने अंदाजन इतना एवरेज निकाला है, मुझे लगता है कि इस बजट में आपकी पूरी ट्रिप हो जाएगी 4 से 5 दिन की। और इसके अलावा मैं आपकी स्क्रीन पे ये 2 नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर आप मेरे जाते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करना विवेक से, अगर आप प्राइवेट कैब हायर करना चाहते हैं तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्त हो गया फिलहाल, तो अगर आप बताएंगे प्रशांत का वीडियो देखा तो बहुत ही खुश होगा वो भी, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरे हमारे प्रधान साहब, ये भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो गए, और भाई इनके साथ घूमने का तो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि ये आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो दार्जिलिंग में इन्होंने जो एडवेंचर कराया है ना, मतलब नॉर्मल से ट्रिप को इन्होंने एडवेंचर ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया। हमें कार की छत पे बैठा दिया था भाई साहब ने, और वहाँ से बोले थे कि अब तुम नज़ारे लो, टी गार्डन हम कार की छत पे बैठ के देख रहे थे, तो बड़ा ही मज़ा आया था। तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही एंटरटेनिंग इंसान है, बड़ा मज़ा आएगा इनके साथ आपको दार्जिलिंग घूमने में। आई होप इनसे बात करके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये आइटनरी जो मैंने प्लान करी थी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, 4 से 5 दिन की पूरा दार्जिलिंग इसमें आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दी थी कि हमारी जो अगली ट्रिप होने वाली है लद्दाख की अगस्त में, उसका प्लान भी चल रहा है, लेकिन अभी हिमाचल उत्तराखंड पहाड़ों में हर जगह हाल बहुत बुरा, आपने देखा ही है, लैंडस्लाइड हो रही है, और मनाली लेह वाला जो हाईवे है वो तो पूरा वैनिश हो गया, उड़ गया, अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखा। तो भाई ऐसा है कि अब वो भी ध्यान में रखते हुए हमें ट्रिप प्लान करनी है, मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन के अंदर चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी और आवागमन शुरू हो जाएगा उन रास्तों पे, लेकिन फिर भी इस वक्त अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हो पहाड़ों के आसपास हिमाचल वगैरह में, तो मत ही करो, क्योंकि हाल बहुत ज़्यादा बुरा है और ज़बरदस्ती की रेस्ट लेने वाली बात हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि माउंटेंस आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो अभी थोड़ा धैर्य रखो, पहाड़ कहीं नहीं जा रहे हैं, पहाड़ बल्कि नीचे आ रहे हैं,
तो थोड़ा उनसे भी दूर रहो, और बाकी जो पहाड़ों के आसपास ट्रैवल कर रहे हो भाई अपना ख्याल रखना, सेफ जगह पर रहना, आई होप सब सेफ होगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो वीडियो तो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाओ, सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है, सो एनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।